A very good morning to all of you. Today we are going to continue with our lesson number 15 of second book, The Crisis of Democratic Order. The topic which we have to start today is what happened during emergency. Did the government misuse its emergency? Government can see that it had used the emergency provision of Indian Constitution to bring law and order in the country, to restore efficiency and to do the poor welfare programs. इस लिए गवर्नमेंट जिहड़ी कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उन्होंने एक 20-point प्रोग्राम अनाउंस किया एंड प्रोमिस टू इंप्लीमेंट दिस प्रोग्राम 20-point प्रोग्राम विच की सी कुछ लैंड रिफॉर्म सी कुछ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सी रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चरल वेजेस वर्कर्स वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर्स एमरजेंसी के शुरुआती महीनों के जिहड़ा अब अर्बन मिडल क्लास सी दे वर जनरली हैप्पी बिकॉज एट दैट टाइम एजिटेशंस एंड प्रोटेस्ट दे केम टू एन एंड अनडिसिप्लिन वॉज एनफोर्स्ड ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पुअर रूरल पीपल भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपैक्टेशन सी कि कुछ वेलफेयर स्कीम्स जिहड़ी कि गवर्नमेंट प्रोमिस कर रही है वो सारिया द सारिया इंप्लीमेंटेशन उन्होंने होएगी उन्होंने लागू किया जाएगा सो इस तरह असं कह सकते हाँ कि अलग अलग सैक्शन जो सोसाइटी के सी उन्होंने अलग अलग एक्सपैक्टेशन सी एमरजेंसी के एंड दे हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट्स लेकिन जेडे क्रिटिक्स ने क्रिटिसिजम करने वाले एमरजेंसी दे आर गिविंग दिस पॉइंट दैट मोस्ट ऑफ दीज प्रोमिसज बाय द गवर्नमेंट रिमेन्ड अनफुलफिल्ड दे वॉन्टेड टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द कॉमन पीपल फ्रॉम द एक्सरसाइज दैट वर टेकिंग प्लेस जो ज्यादतियाँ वो कर रही सी गवर्नमेंट उन्हां तो ध्यान भटकाउण दे लई उन्होंने इन पॉलिसीज़ नूं इन प्रोग्राम्स की इंप्लीमेंटेशन वाल ध्यान नहीं दिता जबकि उन्होंने ना फुलफिल कीतियां गईयां जिन्हें प्रोमिसज गवर्नमेंट ने किए सी एंड देर वॉज यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑन अ लार्ज स्केल वी हैव नोटेड दैट पोलिटिकल लीडर्स वर अरेस्टेड इन ऑल अबाउट 676 लीडर्स ऑपोजिशन लीडर्स वर अरेस्टेड शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे विच लिखा सी दैट 1,11,000 पीपल वर अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स निवारक नज़रबंदी इफ द गवर्नमेंट इफ द पुलिस हैज़ एनी एप्रहेंशन कोई शक के आधार पर जो गवर्नमेंट या पुलिस कोई अरेस्ट करती है तो उसी प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हाँ प्रेस के उत्ते काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाईया गई कुछ लीगल सैंक्शंस भी नहीं ले गए शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे विच कहा कि जेड़ा जनरल मैनेजर ऑफ दिल्ली पावर सप्लाई ऑफ कॉरपोरेशन है ही रिसीव वर्बल ऑर्डर्स फ्रॉम द ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली कि तुसी इलेक्ट्रिसिटी जिहड़ी न्यूज़पेपर्स नूं सप्लाई की जाती है वो टोटली बंद कर दो एट 2 AM दिन दिस 2 बजे 26 जून 1975 कुछ दो तीन दिन के वक्फे तो बाद इलेक्ट्रिसिटी तो रीस्टोर हो गई बट इट वॉज ओनली रीस्टोर्ड वैन सेंसरशिप अपरेटस हैज़ बिन सैटअप जो सेंसरशिप लग गई न्यूज़पेपर के उत्ते उस तो बाद ही सानू देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रिसिटी की कॉमन सप्लाई जी नॉर्मल सप्लाई है वह स्टार्ट हो गई There was serious allegations regarding the exercise of governmental power. Government ने अपनी power का इस्तेमाल किस तरह किया which who led no official position. For example, Sanjay Gandhi. He was the Prime Minister's younger son. He did not hold any official position in the government. Yet he gained control over the administration and interfered in the functioning of the government. Government di functioning de vich Sanjay Gandhi ne kafi zyada interfere kita te naal de naal unhone administration de utte bhi control sthapit kar liya. His role in demolitions, kafi demolitions unne karwaiyan and forced sterilization was happened in Delhi that became very controversial. Sterilization is a method of birth control. Apart from these arrests, there were certain tortures were there, custodial deaths. Custodial deaths means in the custody of the police when the death occurred. It is known as custodial deaths. Emergency de duran.
कुछ जबरदस्ती गरीब लोगों की रीलोकेशन भी हुई, तो देर वॉज ओवर एंथुसियाजम सीन अबाउट द पॉपुलेशन कंट्रोल दैट लेड टू केसेस ऑफ कंपल्सरी स्टरलाइजेशन। कई थावां ते कंपल्सरी स्टरलाइजेशन करवाई गई आम लोगों तो, एंड ये एग्जाम्पल्स ये शो करते हैं कि जदों डेमोक्रेटिक प्रोसेस सस्पेंड हो जाती है तो फिर उदों की हुंदा है। नाउ लेट अस सी व्हाट वी हैव लर्नड, बट प्रायर टू दैट वी मस्ट डिस्कस वन ऑफ द केस दैट इज कस्टोडियल डेथ ऑफ राजन। कस्टडी दे विच एक डेथ हो गई एंड द नेम ऑफ द बॉय वॉज राजन। अंडर दिस ऑन 1st of March 1977 1976 सॉरी पी राजन, ही वॉज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ कालीकट इंजीनियरिंग कॉलेज केरला। ही वॉज पिक्ड अप फ्रॉम हिज हॉस्टल इन द अर्ली आवर्स अलॉन्ग विद वन ऑफ हिज फ्रेंड। राजन फादर्स हु वॉज अ वैरियर टीवी अचारा, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लाइक सो दैट ही मे बी एबल टू ट्रेस हिज सन। ही मेट वेरियस लेजिस्लेचर्स, ही पटिशन द कंसर्न अथॉरिटीज ऑल्सो, ही ऑल्सो सॉट द हेल्प ऑफ होम मिनिस्टर के करुणाकरन। एज द एमरजेंसी वॉज प्रोक्लेम्ड द सिटीजन्स लिबर्टी कुड नॉट बी रेज इन द कोर्ट, बट जदों एमरजेंसी लिफ्टअप हो गई खत्म हो गई द वैरियर द फादर फाइल्ड अ पटिशन इन द कोर्ट्स फॉर द रिट ऑफ हैबीस कॉर्पस इन केरला हाई कोर्ट एट एर्नाकुलम। एविडेंसिस ते विटनेसिस तो बाद ये साफ साफ जाहिर हो गया दैट राजन हैड बिन टेकन टू द टूरिस्ट बंगलो इन कालीकट द नेक्स्ट डे वेयर ही वॉज टॉर्चर्ड बाय द पुलिस। एंड अ सबसीक्वेंट हेयरिंग हेल्ड केरला गवर्नमेंट ने दसिया कि हाई कोर्ट विच जो राजन है उसकी अनलॉफुल पुलिस कस्टडी के विच डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ कंटीन्यूअस पुलिस टॉर्चर। द डिवीजन बेंच ऑफ केरला हाई कोर्ट हेल्ड दैट करुणाकरम हैड स्पोकन अ लाई टू द कोर्ट एंड दैट्स वाई ही हैज टू रिजाइन ड्यू टू दिस रीजन। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द लेसन्स ऑफ द एमरजेंसी। द फर्स्ट लेसन विच वी गॉट फ्रॉम एमरजेंसी इज दैट दैट इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू अवे विद द डेमोक्रेसी इन इंडिया। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड वी कैन नॉट डू अवे बिकॉज आफ्टर अ स्पैन ऑफ 18 months एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। द डेमोक्रेसी वॉज रीस्टोर्ड इन द कंट्री ऑफ इंडिया। इट ऑल्सो ब्रॉड सम ऑफ द एम्बिग्यूटीज रिगार्डिंग द एमरजेंसी प्रोविजन दैट हाउ एंड वेन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन इम्पोज थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन हाउ द एमरजेंसी कैन बी इम्पोज एंड अकॉर्डिंग टू दैट इंटरनल एमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। जदों आर्म्ड रिबेलियन होएगा नॉर्मल प्रोटेस्ट के टाइम के विच डेमोक्रेसी के विच आम नागरिकों नू नॉर्मल प्रोटेस्ट का पूरा पूरा अधिकार मिलेगा, बट जदों आर्म्ड रिबेलियन होएगा सिर्फ उस हालात के विच ही एमरजेंसी प्रोक्लेम की जाएगी। एंड इट इज़ नैसेसरी टू दैट द एडवाइस टू द प्रेजिडेंट टू प्रोक्लेम एमरजेंसी मस्ट बी गिवन इन राइटिंग बाय द यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट रिटन फॉर्म के विच एमरजेंसी लिख के देगा ता ही प्रेजिडेंट द्वारा एमरजेंसी प्रोक्लेम की जाएगी। एंड द थर्ड लेसन विच वी गॉट दैट एमरजेंसी मेड एवरी वन मोर अवेयर ऑफ द वैल्यूज ऑफ सिविल लिबर्टीज। जस्ट लाइक द persons were arrested, they were not able to file up habeas corpus writ in the courts, their fundamental rights were curtailed during emergency, so people became aware of the value of the civil liberties which they have to enjoy. And if we talk about the commission's report, Shah commission report, that the police and the administration became vulnerable to political pressures and this problem did not vanish after the emergency also. Administration the police political pressure they under kam kardi si during emergency, lekin emergency khatam hon to baad vi a pressure jada political pressure si police de utte administration de utte a khatam nahi hoya. This is all with two topics. If you have any doubt regarding these two, you can ask me beta. Thank you.